मुझे देखा होगा एम टीवी के दो रियालिटी शो पे जो की एम टीवी स्प्लिटल और एम टीवी रोडीज आज जो मेरी यूट्यूब की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मैंने ट्रांसफॉर्म कैसे किया वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू गाइज आर डूंगूबारी आपके ना कॉलेज की पिक्चर्स देखी आप काफी मोटे थे यो वेरी फैट तो वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने सोचा नहीं यार अब मेरे को फिट होना है क्या हुआ ऐसा क्या चेंज आया तो आई टेल यू गाइस जब भाई मैं ना कॉलेज में था तो आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स वन आई इन स्कूल मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था मैं डांस भी करता था साइकिलिंग करता था बास्केटबॉल खेलता था बट वेन आई वेंट टू कॉलेज कहीं ना कहीं मैंने बहुत ना लेट बैक एटीट्यूड में आ चुका था मैं मतलब मैं पार्टीज करने लग गया गेम्स काफ़ी नीचे हो गए यू नो आई थॉट हैंगिंग आउट ड्रिंकिंग एंड एवरी थिंग वॉज स्कूल तो मैं उस कल्चर में घुस गया कहीं कही ना कहीं उस वजह से ना भाई मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया भाई वेन आई वॉज इन स्कूल आई वर्ज लाइक सेवेंटी एट टू एटी कि और जब मैं भाई कॉलेज पहुँचा मैं नाइनटी फोर से प्लस हो चुका था तो मुझे लगा यार ब्रो ये तो स्कैम हो गया एंड वन डे आई वो कप तब मुझे फील हुआ कि यार भाई ऐसे जाएगा तू तो रोडीज एंड मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा जब मैं सही में मैंने अपना को शीशे में देखा सुबह उठ के मेरा मूड खराब हो गया यार ऐसे फैट निकल रहा है कैसा लग रहा हूँ मुंह सूझा हुआ है मतलब तो गैरी भाई कैन यू डिस्क्राइब के जब एक बंदा अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है हुँ. तो उसका फिजिकल और इमोशनल स्टेट क्या होता है आपका क्या था भाई जब मैं अपनी फिजिकल जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना यार कहीं ना कहीं यार मुझे बहुत ज्यादा लगता है हमारे लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिटनेस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप बोलोगे कि फिजिकली नो ब्रो इट डजेंट मैटर बट मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा मैटर करता था क्योंकि जैसे भाई मैं एक काफ़ी फिटिंग वाली टी शर्ट पहन के बैठा हूँ ये मैं उस टाइम नहीं कर सकता उस टाइम मैं हमेशा ऐसे करते आ रहा हूँ यू नो फैट लटक रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ढीले कपड़े पहनूँ जिससे मैं इतना मोटा ना लगूँ आई एम ट्राइंग टू हाइड माई बॉडी और वो लगता है फिर आप कुछ भी चीज़ पहनते हो वो सही फिट नहीं आती आपको तो मुझे लगता है यार कि भाई यार फिट तो आ नहीं रही कैसे लूंगा ये चीज़ वो चीज़ आप खरीद ही नहीं सकते क्योंकि आप फिट नहीं हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा यार फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपको लोग भाई आपके सराउंडिंग में होते हैं ना कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वो आपको बहुत हल्के में लेते हैं यार अगर आप उनको कुछ बोलोगे ना कि भाई मुझे ये करना है लाइफ में बोले अरे यार पहले तू मोटे हट हटियाँ से सो so, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था तो कहीं ना कहीं इतने सब ज्यादा होने लग गया मैंने कहा नहीं यार फर्स्ट यार यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस देन यू विल चेंज द माइंड कि भाई नहीं यार ही सीरियस अबाउट वॉट इज दैट इज वाई आपको शेप में होना बहुत जरूरी है तो गाड़ी यार जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं चाहे वो कोई स्पोर्ट हो या आपकी पढ़ाई हो या फिर कोई फिटनेस जोनी हो तो स्टार्टिंग ना बड़ा मुश्किल होता है तो क्या चैलेंजेस आपने फेस करे अपने स्टार्टिंग में जब आप फिटनेस जोर्नी स्टार्ट कर रहे थे क्या चैलेंजेस या ऑबस्टिकल्स आपने फेस करे भाई पहली बात तो जब मैं फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना सो आई वाज 94 किलोस ठीक है बट मैंने सोच लिया कि मेरे को ना पोटेंशियल मर रही है तो जब पोटेंशियल को अब वो जगाना उस टाइम पे अब दिमाग में आपके सिक्स पैक्स हैं पर आप हो 94 फोर किलोज़ के तो लगता है यार कैसे होगा बट जिद भी होती है तो कहीं ना कहीं जब स्टार्ट किया तब बड़ी मतलब उस टाइम पे बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे बॉडी पेन हो रहा है हुआ ही नहीं जा रहा फिर आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है जैसे आज के टाइम पर मैं बोलूँगा मिल जिम जाना इज़ नॉट अ बिग डील क्योंकि मैं जाती हूँ यू नो अब मेरे वो अपने खून में डाल लिया कि भाई सुबह उठना है जिम जाना है आई हैव टू वर्कआउट बट उस टाइम पे भाई मन नहीं कर रहा क्या बोलते हैं कुछ और करने के लिए मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं लेट्स गो टू पार्टी लेट्स गो टू सम प्लेस और उस टाइम को नहीं यार उस टाइम आप कैंसिल कर रहे हो कि नहीं नहीं ब्रो मेरा प्लान है और मैं जिम जाऊँगा तो वो चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं काफ़ी टफ थी और फिर ट्वेंटी डेज़ के बाद यू you नो know, हैबिट बिल्ड होने लगे तो ट्वेंटी डेज मतलब लगे और धीरे धीरे चीज़ें होने लग गई बॉडी में बहुत पेन आता है स्टार्टिंग में बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट्स हाउ इट गोज क्योंकि आप इतना मस्ती कर रहे हो लाइफ में तो भाई गेटिंग इन शेप एंड देन सेक्रीफाइसिंग उसके बाद आप जब एक बार लाइन में आने लग जाते हो सब होने लग जाता है फिर कहीं ना कहीं आप बोलते हो ओके नाउ इट्स कमिंग ठीक है फिर थोड़ा सा आपको रिजल्ट दिखता है प्लाटो भी आता है बीच में आपका आपकी जैसे आप फैट हो गए फिर तो आप एकदम लूज करोगे पर प्लाटो भी आएगा फिर आप प्लाटो को तोड़ोगे फिर आप नेक्स्ट लेवल जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे वो भी होता है कि अब सही मैं पेस पे आ रहा हूं सो व्हेन यू गेट टू दैट लेवल उसके बाद आप यू you नो know, असली में ट्रांसफॉर्म करने लगते हो अपने आप को तो आप प्लेट्यूज की बात कर रहे हो तो आपने क्या प्लेट्यूज फेस करे अपने इस में तो ब्रो आई वाज इन कॉलेज पहली बात तो ठीक है अब काफी सारे मेरे को कॉलेज स्टूडेंट्स मिलते हैं वो कहते हैं कि ब्रो हम पे ना यार पैसे नहीं है हम पे टाइम नहीं है हम पे काम होता है तो भाई ये सभी जो लोग हैं ना ये सब फेस कर रहे हैं ऐसा कोई इंसान नहीं जिसपे भाई फैमिली इश्यूज नहीं होते या यू नो टर्म्स भी नहीं होते सब पे वो होते हैं बट इट्स ऑन यू कि आप उसको कैसे लेते हो अब जैसे भाई हमारे अंकित भाई हैं है देखा होगा सेंट राइट right? तो ब्रो अब भाई मॉनिटरी तो वो भी इतना कुछ खास नहीं है बट ब्रो ही इज डूइंग हिज शिट समझ रहा है तो अब आप भानों को एक साइड रख दो उसके बाद आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगो सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो भाने एक तरफ और ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफ क्योंकि आप अपने लिए तो तो लॉकडाउन में आया ब्रो क्योंकि भाई उस टाइम पे ना यार जिम बंद हो गए मैंने तो भाई बड़ी मुश्किल से पांच हजार रुपए आई रिमेंबर भाई मैंने कलेक्ट करके फीस दी थी जो कि डूब गई थी और पांच हजार रुपए मेरे लिए बहुत बड़े अमाउंट थे भाई आज की डेट के पाँच करोड़ होंगे मैं मजाक से अटी कह रहा हूँ भाई और सात दिन यूज़ कर पाया था मैं बस वो पाँच हजार रुपये दे के हज़ार तीन महीने के दे थे इतना मतलब मैंने कहा भाई महंगे जिम में जा रहा हूँ मैं यू you नो know। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो मैंने कहा यार अब ऐसा है कह रही देख अब या तो वही बहाने मार दे या घर में दो डम्बल पड़े हैं अब जो कर सकता है कर ले तो उस टाइम वो प्लेटो आ सकता था पर मैंने आने नहीं दिया और मैंने कहा भाई इतनी कसरत करी ना लॉकडाउन में भाई रोज कभी कभी दो बारी भी कर रहा हूँ जितने डंबल की एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस जो भी बाइस पुशअप अलग अलग टाइप के पुशअप स्क्वाट्स जितने मैं यूज कर सकता हूँ सब करा मैंने एंड दैट वॉज द टाइम आई थिंक जो मैंने अपना प्लेटोन नहीं आने दिया और मैं ट्रांसफॉर्म हुआ असली लॉकडाउन में तो जो आपकी फिटनेस रूटीन है या काफी इंटेंस है हाँ तो इस इंटेंस रूटीन के साथ जो आप ये मैनेज करते हो मेंटेन करते हो तो आपका ये सोशल लाइफ आपके रिलेशनशिप्स पर अफेक्ट करता है कुछ भाई करता है यार कही कहीं ना कहीं काफ़ी बार मुझे ना बोलना पड़ता है भाई क्योंकि भाई इट्स नॉट अबाउट कि वो प्रायरिटी रखनी पड़ती है यार काफ़ी बार लोग बोलेंगे पार्टी में आ जाए बट मुझे बोलना वाले नहीं आ सकता यार मैंने अपने आप को ऐसा पर्सन चेंज कर लिया है आई डोंट हैव टू गो देयर क्योंकि उसमें भाई सोशल एनर्जी लगेगी बहुत कुछ लगेगा यार मेरा स्लीप ख़राब होगा फिर नेक्स्ट डे का ट्रेनिंग मेरा ख़राब होगा सो ऑब्वियसली यस यू हैव टू सेक्रीफाइस बट इज़ इट वर्थ इट हंड्रेड परसेंट इट इज़ वर्थ इट तो वी हैव सीन योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो फिजिकल दिखता है बट वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था तो उसके साथ साथ आप किसी और वे में भी ट्रांसफॉर्म हुए कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई आपका कॉन्फिडेंस आपका सेल्फ एस्टीम कुछ चेंज हुआ भाई आई बी वेरी ऑनेस्ट योर जब मैं वर्कआउट करने लग गया और जब ट्रांसफॉर्म होने लग गया ऑफ थिंग्स चेंज्ड आई वॉज लाइक दिस बिफोर आई वॉज वेरी गुड विद स्पीकिंग आई वॉज गुड यू नो वेरी गुड लुकिंग आई वॉज आई थिंक एवरेज

कि मैं रोडीज मेरा एम मे बी ट्वेंटी फोर्टीन से होगा तो उस एम को करने में मुझे दस साल लग गए राइट right? पर आज के दिन आई आ रोडी हंड्रेड परसेंट मेरी जर्नी छोटी रही कोई बात नहीं बट आई वॉज देयर ठीक है मैंने दस साल पहले ही लिख दिया था कि आई वॉन्ट गो टू रोडीज सिंपल आई वॉज सी दिस बिग गाइज प्रिंस नहरूला प्रियांक शर्मा यू नो एवरीबडी आई वॉज ऑन टीवी एंड आई आई लाइक लाइक बी दैम बट इन ऑर्डर टू बी लाइक यू नो फ्रॉम टेकिंग मोटिवेशन

ओके दिस इज समथिंग ही हैज इन हिमसेल्फ क्योंकि मैं यूथ को इंस्पायर करना चाहता हूं अब मैं नहीं चाहता कि मेरे को यूथ देखे और कहे कि हाँ ठीक हैलु है, okay. no. like, no. है भाई उसकी मेहनत देखो भाई उसकी बॉडी देखो जिस बॉडी लैंग्वेज द वे ही स्पीक्स एवरीथिंग तो इंस्पायर होगा बंदा कि हम भी कर सकते हैं इन लाइफ क्योंकि वेर आई एम कमिंग फ्रॉम कमिंग फॉर अ वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली तो वहां से मैं आ रहा हूं और मैं अपने आप को कुछ बना रहा हूं सो यू नो दैट्स हाउ यू इंपैक्ट एवरी वन इन लाइफ तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज रियली हेल्प मी इन लाइफ बिकॉज अब मेरे हर एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होने लग गए हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग सो इन ऑर्डर टू बी अ वेरी गुड यू नो पर्सन टू बी परफेक्ट परफेक्ट इज नथिंग बट ऑब्वियसली यू कैन यू नो बी बेटर तो आई एम वेरी डिसिप्लिन इन ऑल माई वर्क आई एम वेरी प्रोफेशनल विद ऑल माई वर्क एंड या आई वेरी गुड फूड ब्रो सो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए अपने काम पे इन्वेस्ट करिए एंड डेफिनेटली बी डिसिप्लिन बी अ बेटर पर्सन देर इज़ नो वे कि आप बस इंजॉय कर रहे हो लाइफ में लुक अ सर्टन वे बिकॉज आपको एक ही लाइफ मिलती है ये नहीं कि आप बस इन्जॉय करके उसको ख़त्म कर दो मुझे बड़ी हेल्प मिली है ब्रो आई हैव डन टू रियालिटी शोज तो मैंने अपने आप को ऐसा बनाया एंड स्टिल आई एम लर्निंग अलॉट कि मैं दो रियलिटी शोज एम टी वी के कर पाया हूँ एंड थैंक यू टू एम टी वी फॉर दैट तो so hmm. आपको जो fitness routine, आपको जो fitness lifestyle है ये काफी से से चल रहा है आप I think, साल से आप साल कर रहे हो दिस लॉन्ग पीरियड कोई कुछ करता है तो वो बोर हो जाता है या फिर उसका मोटिवेशन कम हो जाता है तो आप ये डिसिप्लिन कैसे रखते हो अपने अंदर के, to keep going. इतना टाइम ये करने के बाद यू स्टिल कीप गोइंग कहूंगा यार जितने भी लोग ये देख रहे हैं कि आपने बना बना ली, आप 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 क्या क्या कर सकते हो उसको, पैसा लोगे, वो कर सकते हो? So, इस गेम में भाई जो सबसे लोग होंगे ना वो ही टिक पाएंगे तो एंड अगेन कमिंग बैक टू पॉइंट ये आपकी चॉइस थी कि आप फिट होने वाले हो राइट बट आप ये मत बोलोगे तक आ जाऊंगा गो फैट नो अब आप ऐसे नहीं हो यार पहले तो मैं भाई फूडी था ये वो नो 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 कैंसिल अब आप चेंज हो चुके हो सो ना यू टू दिस फिटनेस आपने ये चूज करा है कि आप फिट रहोगे सो बी फिट देन तो मुझे यही लगता है ये मैंने लाइफ चूज करी है आई ऑलवेज वॉन्ट लुक फिट नाउ आई डोट वॉन्ट गो बैक टू दैट क्योंकि

मोटापा है ना कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता वापस तो इसलिए आई एल मेंटेन दैट इज वाई यू गाइज पहले तो भाई बॉडी बनाओ बी फिट एंड देन स्टे फिट फॉर लाइफ एंड देन यू नो जस्ट बी लाइक दैट क्योंकि हमारे पे एक ही लाइफ है ये अपना बेस्ट लाने के लिए है भाई ये नहीं कि आप आए आप मस्ती मारे आप चले गए नो ब्रो यू कॉड इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स सो दैट इज वाई आई फील नाउ आई हैव अ प्रेशर प्रेशर भी नहीं कहूंगा I have आपको एक अलग लेवल पे जाना है, या आप हो? नहीं, ब्रो, मुझे हो चुका है और मैं बॉडी डिस्मोफिया भी नहीं बोलूंगा ब्रो अब यार जिस काम में हम आ चुके हैं तो आई फील इसमें

तो वो सारे आइडल्स थे जॉन सीना सी नॉन ट तो वो भी आप देख रहे हो बट uh, फिर गोइंग प्रिंस नाई हंड्रेड परसेंट एनी टाइम वो थे आई लुक अप टू हिम एंड उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी उन लोगों की राइट एंड बाहर के यूट्यूबर्स लोकन फॉल ऑल इन ग्रेट शेप तो दैट इज वाई आई फील वो सारे मेरे आइडल्स थे तो क्या yeah. और कहीं ना कहीं नाउ आई एम कमिंग इन देयर प्लेस या तो गैरी यार एक और क्वेश्चन है बोलो ना एक आपने अपना जो फिटनेस और न्यूट्रिशन प्लान है ये yeah. कैसे डेवलप करा गुड गुड क्वेश्चन क्वेश्चन यार सो so भाई बेसिकली मैं बताता हूँ भाई पहली बात तो देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब बट आपको ना इसमें ट्रायल एंड ढूंढना पड़ेगा बॉडी इज समथिंग जो सबकी अलग होती है ठीक है अब किसी एक्टोमॉर्फ होती है किसी एंडोमॉर्फ होती है किसी की मेजोमॉर्फ होती है तो पहले आपको अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी खुद से कि मैं कहाँ पे बैठता हूँ फिर आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो आपको देखनी पड़ेंगे मैं क्या खाता हूँ मैं क्या कट कर सकता हूँ और बहुत चीज़ें आपको आर एन डी खुद ही करनी पड़ेगी जब आप खुद ही रिसर्च करोगे अपने ऊपर तो आपको पता लगने लगेगा ओ ये भी होता है ये होता है ये नहीं खाना होता तो भाई मैं बहुत चीज़ें ना ऐसी करके देखने लग गया इधर उधर यूट्यूब पर देखने लग गया किसी की डाइट देखने लग गया बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अब इतने एक्सपीरियंस के बाद आया ना तो आप अपनी डाइट खुद ही डेवलप करते हो यार तो मैंने भी खुद ही करी बट इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ गई बॉडी बिल्डर्स की डाइट देख रहा हूँ पर वो सस्टेनेबल नहीं होती यार तो मुझे जो आंसर मिला वो है कि आप अपनी डाइट ढूंढो कि आपके बजट कितना है आप क्या क्या खा सकते हो आप क्या टाइमिंग्स पे खा सकते हो अब जैसे बॉडी बिल्डर लोग भाई सिक्स टू एट मील्स भी खाते हैं मैं नहीं खाता भाई मैं टू मील्स खाता हूँ है ना तो सब कुछ मैंने रिसर्च करी तो मुझे मिला कि ब्रो आप अपने पर रिसर्च करो फिर देखो कि आप कौन सी वेट कैटेगरी में बैठते हो एक माई फिटनेस पैल है तो उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली थी यार जब स्टार्टिंग में कैलरीज ट्रैक करता था अब नहीं करता पर उस टाइम करता था मैं हर एक चीज़ खाता था उसमें लिख देता था, था और जब कैलरीज में ट्रैक करता तो मुझे पता होता ओके कि मेरा बॉडी वेट इतना है एक कैलरी कैलकुलेटर करके भी है वो गूगल में मिल जाता है तो उसके थ्रू आपको पता लग जाता कि आपकी हाइट इतनी है मतलब वो एक्यूरेट नहीं होता आस होता है तो पर उतना मेरे लिए काफी था यार कि मेरे को पता है कि अच्छा मेरी हाइट फाइव नाइन है और मेरा वेट नाइन्टी समथिंग है तो मैं तो भाई ओबीज में आ रहा हूँ तो मुझे अपने आप को काटने के लिए अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कैलरीज ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलरीज डेली खानी है तो वेरी सॉर्टेड हो गया तो कहीं ना कहीं जब मैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैरीज में डेली में आने लग गया तो मुझे पता लग गया कि ब्रो ये तो रिजल्ट देने लग गया और जब एक बार रिजल्ट देने लग गया तो मैंने कहा ये तो सही है बट उस टाइम के बजट के हिसाब से जो मेरी नॉलेज थी तो मेरा प्रोटीन इनटेक उस टाइम पे कम था बट मैं अभी भी ये मानता हूँ अगर आपका दिन का प्रोटीन इनटेक 100 ग्राम से ऊपर है दैट्स इनअ फॉर द बॉडी ब्रो क्योंकि आपका हंड्रेड परसेंट बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी बट हां अगर आप बहुत ही लो प्रोटीन डाइट पर हो तो भाई फिर अगर आप बिल्कुल काब्ज और फैट्स पर जिंदा हो तो बॉडी कहीं ना कहीं लूज होगी यार मतलब यू you नो know, वो टाइटनेस नहीं पकड़ेगी बॉडी के लिए और उसके बाद ब्रो मैंने वो देखा कि uh, अगर आप टेन थाउजेंड स्टेप्स चलते हो तो भाई टेन थाउजेंड स्टेप्स वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज आई वुस एनी वॉन्ट टू डू वो वॉक करोगे ना ब्रो यू विल लूज फैट हंड्रेड परसेंट तो मेरी जर्नी में वॉकिंग बॉज अल्टीमेट मतलब भाई मैं रोज़ बस वॉक करता था चलो गाने लगा लिए फोन पे बात कर ली इससे बस मैं एक घंटे निकलता ही था एंड कहीं ना कहीं दैट हेल्प मी यू नो टू गेट इन शेप मुझे याद है ब्रो आई वाज इन लॉकडाउन और लॉकडाउन में मैंने बहुत मेहनत करी और आई गॉट एक सोचते हैं स्लाइड स्लाइड आ आते हैं वो तो आ गए थे मेरे पास बट दिक्कत क्या हुआ एक दिन मेरा एक फ्रेंड है अजय कुमार तो उस टाइम ही वॉज वन थर्टी फोर किलोज गाड़ी में बैठे थे नहीं से मुझे कि गैरी भाई तुम तो मेहनत तो कर रहे हो पर बॉडी दिख नहीं रही एंड मैंने ना सर पकड़ लिया अपना मैंने कहा भाई यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये मुझे बोल रहा है कि रिजल्ट नहीं दिख रहे तो उस दिन से मैंने कहा कि भाई अपना कार्डियो स्टार्ट करता हूँ पर जिम में कार्डियो ना इतना हो नहीं पाता मतलब कभी करते हो कभी आप एच कर लोगे तो मेरी एडवाइस रहेगी कि भाई वॉकिंग से ना आप हमेशा पकड़े रहोगे तो मैं क्या करने लग गया मैं वॉकिंग जिम जाने लग गया बाईस मिनट और वह वापस भी बाईस मिनट

डाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार अब क्या सीन है ब्रो अगर आप लोग भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना भाई तो मेरी लाइफ में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों आप मेहनत करते हो जिम जाके आप कार्डियो भी कर लेते हो पर आप फिर कुछ गंद खा लेते हो बस खत्म रिजल्ट जीरो क्योंकि मुझे लगता है ब्रो अगर आप डाइट कर रहे हो तो बहुत जरूरी है आप तीनों चीज़ें सही करो अब तीनों चीजें में क्या आप ट्रेन भी अच्छे से करो आप स्लीप भी अच्छी लो रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली डाइट अब आप कहीं ना कहीं डाइट खराब करोगे ना यार तो फिर आपका डामाडोल हो जाएगा तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है कि आप पहली बात अगर आप फैट लूज कर रहे हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहो आप मसल बिल्डिंग में हाई प्रोटीन डाइट पे रहो एंड ट्रेन पर अच्छे से करो रेस्ट पर अच्छे से लो अब लोग भाई डाइट अपनी सारी खराब कर देते हैं तो फिर वो ना कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन भी टूट जाता है भाई इस वजह से भी तो वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये भी ट्रैक करना है आपको उस ट्रैक में रहना है कि आप डाइट भी कर रहे हो ट्रेन भी कर रहे हो रेस्ट भी ले रहे हो नहीं तो भाई कहीं भी खराब करोगे ना तो फिर तीनों में से एस्पेक्ट कुछ खराब होगा और फिर ना वो फिर आप बोलोगे रिजल्ट नहीं आ रहे दस भाई आपको रिजल्ट नहीं मिलता सिंपल तो जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेन कर रहा था मुझे याद है यार भाई मैंने तो अपने बहुत कैलरीज कम में डाल दिया था आई वॉज गोइंग अराउंड एटीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड कैलरीज डेली और उस वजह से मेरा फैट लॉस काफ़ी ज़्यादा होने लग गया बट मुझे लगता है जो मेरा उस टाइम बजट था अपनी बॉडी पे खर्च करने के लिए उस हिसाब से वो ठीक था बट मुझे कहीं कही ना कहीं लगता है ब्रो जो प्रोटीन मैं पीता था उस टाइम पे वो इतना यू you नो know, अच्छा नहीं था बट इट्स ओके आई फील अब मुझे तो पता भी नहीं सही बोलो कि वो इतना रिजल्ट देता था मुझे उस टाइम या नहीं आई डोंट डों नेम द ब्रांड एनीथिंग बट डेफिनेटली उस टाइम वो बजट था मेरा बट मैं कहना चाहूँगा अगर आप लोग बॉडी बना रहे हैं अगर आप फिट भी रह रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड गेट द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन योर बजट पॉसिबल दैट इज वाई दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन अपना अवतार मेड इन इंडिया हंड्रेड परसेंट आई पर्सनली बिलीव इन दिस ब्रांड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स आउट देयर प्रोटीन के लिए अगर आपको लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं दैट इज कैरी अवतार हंड्रेड परसेंट दिस इज ट्वेंटी नाइन ग्राम्स प्रोटीन एंड दिस इज द बेस्ट इन द मार्केट मैं खुद से यूज़ करता हूँ और मैं आपको पहले ही बोल दूँ बिफोर बींग अ स्पॉन्सर्ड एथलीट मैं खुद से ये यूज करता था दैट इज बाय वेन आफ्तार इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट विथ मी आई वॉज लाइक आई वॉन्ट डू इट मैंने आई हैड नो सेकंड था क्यों सेकंड थाट्स तब आएंगे ना ब्रो अगर आप डाउट करोगे कि वुड यू रियली यूज दिस प्रोटीन बट मैं आई वॉज यूजिंग इट बिफोर गेटिंग स्पॉन्सर्ड तो टिकाइज इफ यू रियली वॉन्ट यूज इट बाय दिस गैरी अफ्तार इज द कोड सपोर्ट मी इट वुड बी ग्रेट हेल्प एंड मैं बोलूंगा चॉकलेट हेजल नट एंड कैरमल इज माई पर्सनल फेवरेट मैंगो भी अच्छा है अगर आप वेल्क में डाल के पीओ बट दिस इज वेरी गुड एयर एंड इसमें क्या है सीन मैं बताता हूँ अवतार इंडिया का क्या सीन है इसका मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग हैपन्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स एंड वो एकदम फ्रेश मिलता है आपको प्रोडक्ट दूसरे में क्या होता है जो बाहर के प्रोटीन्स आते हैं ना वो पहले गोडाउन में रखे हुए होते हैं अब अवतार इंडिया में क्या है इनका जो प्राग मिल्क ग्रुप है एकदम फ्रेश ट्वेंटी फोर आवर्स में आपको मिलता है बूम तो इंडिया बेस्ट है और ब्रो इसका कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कुछ भी बढ़ा दिया गया हो जिससे प्रोटीन कंटेंट ज्यादा दिखे है। तो मुझे कोई नोटेबल माइल आपने अचीव किया आपको लगा वो ये क्या हो गया ये क्या कर दिया मैंने नोटेबल माइल स्टोन माइल ड्यूरिंग दिस जर्नी नो ब्रो आई फील आपको डे एवरी डे आपको पता लगता है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो ऐसा नोटेबल नहीं आता बट येस डेफिनेटली द इन वर्ल्ड सीज यू इट सीज़ यू इन अ डिफरेंट वे बिकॉज नाउ यू हैव डन समथिंग दैट दे आंट एबल टू डू तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने लाइफ में हर एस्पेक्ट में अच्छा होना है इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल बट फिजिकल डेफिनेटली मैटर्स आप कितना भी पैसा कमा लोगे आप पे कौन सी भी गाड़ी आ जाएंगी कहीं ना कहीं ब्रो वो मन में रह जाता है यार आपके ना कि आई विश आई वॉज फिटर दिन दिस मैं नहीं कह रहा यू बट मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली वॉट पोटेंशियल लाइज इन ह्यूमन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको उस पोटेंशियल में टैप इन होना चाहिए क्योंकि आप पे एक ही लाइफ है यार और अगर आप अभी यूथ में हो अपने स्पेशली और अगर आप फिट नहीं हो ब्रो एंड डेफिनेटली भाई आपको फिट होना चाहिए खास करके मैं सारे लड़कों को कहना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह भाई आपको लड़कियाँ ट्रीट करेंगी इट्स वेरी डिफरेंट ओके इट्स वेरी डिफरेंट अगर आप हम्म तो ऐसे ही ट्रीट होगा और अगर आप फिट हो तो आपको अलग नजरिए से देखा जाएगा तो फॉर ऑल द बॉयज वॉचिंग दिस एम टेलिंग यू गेट फिट इट्स वेरी सिंपल कैलरी इनटेक देखो अपना माई फिटनेस पैल ओके कैलरी कैलकुलेटर कैलरी कैलकुलेटर से आप देख सकते हो माई फिटनेस पैल इज योर बेस्ट फ्रेंड स्टार्ट वॉकिंग टेन थाउजेंड स्टेप्स डेली इट नथिंग चलो फाइव थाउजेंड स्टार्ट करो टेन थाउजेंड तक चले जाना एंड या इन्वेस्ट इन योर सेल्फ मैन इन्वेस्ट करो अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म करो मेंटली फिजिकली सब चेंज होगा एंड गो कैट ड्रीम्स यस ओके सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन आप बाकी लोगों को यूथ को यंग लड़कों को, को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो ये सिमिलर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं भाई मेरी एडवाइस सिंपल होगी ब्रो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बी ओ बेस्ट मेक योर पेरेंट्स प्राउड क्या स्टार्ट वॉकिंग आउट फिजिकली मेंटली थिंग्स विल चेंज आप मानो ना मानो आप खुद ही देखने लग जाओगे पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग यू यू विल स्टार्ट वेयरिंग बेटर क्लोथ आप हर चीज में बेटर होने लग जाओगे ठीक है अब आप कभी पढ़ाई करते हो या कभी कुछ सुनते हो गए यू ट्रेनिंग या मसल ब्रेन इज ऑल्सो मसल बट आपका बॉडी में बहुत सारे मसल हैट तो मैं कहूँगा कि आप ट्रेनिंग करिए मेरी एडवाइस है आपको लाइफ के अदर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड अपने पे इन्वेस्ट करिए भाई अपनी डाइट अच्छी रखिए कोई फायदा नहीं है मैं बोलूँगा जाके पार्टी करो ये वो दैट्स अ जस्ट अ पार्ट बट डोंट मेक इट योर लाइफ स्टाइल पर अगर फिटनेस में आएंगे हंड्रेड परसेंट आप बहुत ऊपर जा सकते हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ आई वॉज़ फैट ओके नो बडी about अबाउट मी सिंपल बट आज के दिन में अगर कुछ बोलूँ ना सब सुनते हैं क्यों क्योंकि आई एम वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन आउट दर नेचुरली ठीक है मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर सकता हूँ अपनी बॉडी से जो मैं पहले नहीं कर पाता था और मुझे कहीं कही ना कहीं बहुत प्राउड फीलिंग होती है और जब भी मैं बाहर कहीं घूम रहा हूँ ना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या आदमी बन रहा हूँ और मैं कहाँ से आ रहा हूँ तो काइज मैं यही बोलूँगा मेरी एडवाइस ये है Work on yourself, invest in yourself and be your best. And remember, I'm rooting for you bro.